सीरियल चाइना स्टार के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है वो फराती और आकर दुआ के पास बात करती और कहती कि देखें कि आपने तो पैसे के लिए शादी की थी ना, आपने तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सब कुछ किया था, आपको जितना भी पैसा चाहिए जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन खुदा करी यहाँ से दूर चली जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये बातें जिस वक्त जहाँ पर फ़ौरन सुनती है दुआ, तो वो जवाब देती और कहती है कि देखो मुझे तुम्हारी सोच के ऊपर हैरत होती है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, तुम इससे की घटिया सोच सक सकती हो। खैर अब मैं क्या कह सकती हूँ आपके साथ, इसके साथ बात तो आपके समझा तो नहीं सकती, लेकिन इतना आपको बता दूँ कि जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों से निकलें। मैं दुआ हूँ और मैं नौशवा के साथ मोहब्बत करती हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे नौशवा चाहिए, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप जब दूर हो जाएँ। क्या हो सकती हैं दूर, क्यों नहीं हो सकती, हो जाए आपको पैसा मिलेगा ना, यहाँ से चली जाएँ। तो यहाँ पर जब वो फ़र्क कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा देता की बात करो, तो आगे से दुआ जवाब देती और कहती कि मेरी हिम्मत है तो मैं बात कर रही हूँ और मैं आपको वार्निंग भी दे रही हूँ, अगर दोबारा जब आपने सगी को भी हरकत की, दोबारा जब आप नज़र आई है मेरे जब वो नौशवा के पास, तो देखें कि मैं ये भूल जाऊँगी कि तुम किसी की पुरानी एक्स फ्रेंड हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो नौशवा का जो वालिद है ये आता है तो दुआ के साथ बात करते और कहते हैं कि देखो बेटा, अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी आ रही है, किसी किस्म की आपको कोई टेंशन आ रही है, तो आप ऐसा करें कि मेरे साथ जो वो वापस आ जाए, मेरे साथ ही रहें, नौशवा को अपने हाथ पे छोड़ दें, इसे खुद ही हैंडल कर लेगा, खुद ही सब कुछ देख लेगा। ये बातें जिस वक्त जहाँ पर दुआ सुनती है तो इनकार कर देती और कहती है कि नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं इसे कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए जब वो प्लीज़ आप ऐसी बात मत करें। तो आगे से वालिद कहते हैं कि देखें बेटा मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे आपको अपना नुकसान होगा, ये कभी भी ऐसे नहीं सुधरेगा, ये फर्क के पास ज़रूर जाएगा, इसी वजह से आप इन चीज़ों को देखें, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं कभी भी आपके ऊपर बात नहीं करूँगा। नौशवा जाते हैं दुआ की माँ के साथ मुलाकात करते हैं, तो दुआ की माँ कहती है कि बेटा मेरी पहली दफ़ा आपके साथ मुलाकात हो रही है, इतना आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी मेरे बच्ची की आंखों के अंदर आंसू मत आने देना, उसने पहले बहुत सारी तकलीफें देखी हैं। नौशवा जब से बात सुनते हैं तो फ़ौरन दुआ की माँ को कहता है कि किस किस्म की तकलीफ़ें देखी हैं, क्या मतलब तुम्हारा, तो वहाँ पर दुआ भी आ जाती है, बातों में घुमाने की कोशिश करती है, क्योंकि दुआ ने नौशवा से ये बात छिपाई हुई है, और जैसे नौशवा को इस बात का पता चल गया तो फिर बहुत ज़्यादा जब वो इन दोनों के बीच में अख्लाफात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।